जनरल सिंह, इस समय ये एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे जिस सप्लाई लाइन का हम जिक्र भी कर रहे हैं, जब मैं पोलैंड में पहुंची थी, वहां पर लैंड किया था मैंने, तो मैंने देखा था कि बड़े बड़े हवाई जहाज, चाहे फ्रांस की तरफ से उनकी एयरफोर्स के हों या फिर यूएस की तरफ से उनके एयरफोर्स के हों, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए उस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए देखा कि कई ऐसी बड़े 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 ट्रक्स, बड़े बड़े ऐसी जो गैस का सप्लाई कर रही है, या फिर बहुत सारे ऐसी बख्तरबंद भी गाड़ियां वहां से आगे बढ़ती हुई दिखी। आगे हम जब ट्रेन के जरिए हम यहां पर आ रहे थे, तो उन ट्रेनों को सप्लाई लाइन के तौर पर काम करते हुए देख रहे थे। अगर वो सप्लाई लाइन खुला रहा, अगर पश्चिम से पूरब की ओर मदद आती रही, अगर कीव की ओर वो मदद आती रही, तो यूक्रेन का मुकाबला मजबूत तब तक बना रहेगा? या रूस और यूक्रेन की इस युद्ध में 11वें दिन आप स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, जहां तक यूक्रेन की बात है, 11 दिन तक उन्होंने रशियन फोर्सेस को रोक के रखा है, और ये एक बहुत अहम बात है। ये अहम इसलिए है कि एक रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी में कोई मुकाबला नहीं। रशियन आर्मी बहुत स्ट्रांग आर्मी है, उनके पास बहुत ज्यादा टैंक्स हैं, बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, और कॉम्बैट पोटेंशियल उनका बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी यूक्रेनियन आर्मी ने, उनकी लीडरशिप ने, उनके पीपल्स रेजिस्टेंस ने इस तरीके का काम करके दिखाया है जो एक दुनिया में काबिले मिसाल है। और दूसरा चीज, मैं एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आपके चैनल को कि आपके कॉरेस्पोंडेंट्स राइट वॉर जोन के अंदर गए हैं और वहां से जो भी वो खबर दे रहे हैं, ऐसी खबर बहुत आसान नहीं होती किसी भी चैनल के लिए लेना। नाउ तीसरी बात कि ये युद्ध कब तक चलेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि रशियन आर्मी का एडवांस जरूर स्लो हुआ है, लेकिन रशियन आर्मी के एडवांस के स्लो होने का कारण ये भी है कि उन्होंने थोड़ी एहतियात बरती है कि सिविलियन एरियाज को ज्यादा टारगेट नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कीव ही है, और जब तक वो कीव को कैप्चर नहीं कर लेते, वो रुकेंगे नहीं। चौथी बात, कीव को कैप्चर करने में अभी काफी टाइम है, 1-2 हफ्ते जरूर लगेंगे, जहां तक मेरा अपना ख्याल है। हालांकि जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, और सर जनरल सिंह आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कीव में जैसे ही आक्रमण होता है और उसके बाद आक्रमण तेज होता है, तो एक्चुअली जो इस इलाके में फुल फ्लेज्ड युद्ध है वो हम तभी देखेंगे। जनरल सिन्हा, मैं दिल्ली में जब तक थी और हम वॉर रूम में चर्चा करते थे, तो हम इस गुरिल्ला वॉरफेयर की, उस अर्बन वॉरफेयर की चर्चा भी हम करते थे। मैं जहां पर हूं, ये सरकारी इमारतों का इलाका है, और अगर हम इन सरकारी इमारतों के, मैं मोहसिन से कहूं, मेरे कैमरा पर्सन अगर वो उन इलाकों को दिखा पाए, वो इमारतें, उनमें कुछ पीछे के हिस्से में रिहायशी इमारतें भी हैं, और बहुत क्लोज जो जिन स्ट्रीट्स की हम बात करते थे, जिन ऊंची इमारतों जहां पर अगर आप पोजिशन ले लेते हैं, तो एक तरह से एक कॉन्क्रीट बंकर का भी आपका काम करती है, और ऊंचाई पर आपका दुश्मन होने, तो यानी रूस अगर अभी हवाई आक्रमण कर रहा है, हवाई मिसाइलें दाग रहा है, तो वो एक अलग तस्वीर हो जाती है। लेकिन अगर इन सड़कों में युद्ध आ गई, इन सड़कों में युद्ध यहां पर पहुंच जाए, तो उसके बाद क्या अंजाम होगा, किस तरह की चुनौतियां रूस को सामने पेश आएंगी, और क्या इसी वजह से वो बहुत धीमे आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ नागरिक इलाकों को नुकसान, बल्कि इन इलाकों की संरचना को देखते हुए यहां से मिलने वाली चुनौती? देखिए, हर एक का अपना विश्लेषण है। मेरा विश्लेषण 2 दिन पहले से आपके चैनल में, 14 दिनों से आ रहा हूं, और मैंने कहा था कि कोई निर्णायक चीज आपको 15 दिन के बाद, और 20, जबकि हमने उनको पढ़ने की ट्राई नहीं की, उन्होंने 3 बड़े एक्सरसाइजेस किए थे, उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल है, जियोपॉलिटिकल ये है जो उनका, ये एब्सोल्युटली उन्होंने ले डाउन किया है रेड लाइन वाली, और ये उन्होंने 24 फिर 28 और 32 दिन में अचीव किया था। उसमें उन्होंने ये भी सोचा था जो 32 दिन वाला कि नेटो आएगा, तो हम लोग तो ये कह रहे हैं, क्योंकि और आप भी कहती हैं कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारी विश्लेषण होनी चाहिए, यू नो, सही गलत नहीं होना चाहिए, सच्चाई ये है, सच्चाई आप ग्राउंड में खड़ी हैं और देखिए, कोई स्ट्रीट फाइट नहीं होगी, ये अर्बन वॉरफेयर नहीं होगा, ना हुआ है।